करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नॉट ओनली एसलीपीएस वेलनेस, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग ज्वाइन हैं उनको भी नमस्कार, जो लोग ज्वाइन नहीं है उनको भी नमस्कार, क्योंकि पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा एक या इससे दो मिनट का आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद मेरे बारे में प्रॉपरली मैं 15 मिनट के बाद बताऊंगा। मेरा नाम महिपाल सिंह। प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूं। आई थिंक राजस्थान से बहुत सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं, और मुझे सुन पा रहे हैं तो उनको भी ऐसा एक उम्मीद जगेगी कि उनके बीच का ही एक आदमी जब आपसे बात कर सकता है तो आने वाले टाइम में वो भी फेसबुक पे इसी तरह से बात कर सकते हैं। मेरी लाइफ की शुरुआत आर्मी की नौकरी के साथ हुई। 8 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले आर्मी में नौकरी की है। एक बात को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, शायद आप भी मानते होंगे, कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करूं, और इसी का रिजल्ट ये रहा कि आज से तकरीबन 4.5 साल, जी हाँ 4.5 साल पहले नवंबर 2015 में मुझे मेरी जिंदगी को बदलने वाली कंपनी एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है दोस्तों, लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर एक आदमी की लाइफ में जो जो ड्रीम्स होते हैं, जो लाइफ में सोचा भी करता है, मैं बोलूं कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं करता था, क्योंकि एवरेज सैलरी पे नौकरी करने वाला इंसान एक एवरेज ही सोच सकता है। मैं कभी सोचा नहीं करता था उससे भी ज्यादा अच्छा आज मेरी लाइफ में हुआ है। आज लग्जरी गाड़ी माने, चाहे घर माने, चाहे करोड़ों की इनकम माने, आज पिछले 4.5 साल में एसलीपीएस वेलनेस की वजह से मुझे 10 करोड़ से भी ज्यादा, जी हाँ 10 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग करने का मौका मिला है। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको कि मैं सभी लोग जो भी सुन पा रहे हैं, हमारे ज्वाइन एसोसिएट भी और न्यू गेस्ट भी, कि आखिर हमने ऐसा क्या किया कि एक आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके जब रिटायरमेंट आता है तो शायद 1 करोड़ रुपए ले आए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मात्र 4.5 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा की टेस्टिमनी? क्या वजह, ऐसा क्या काम किया, ऐसा कौन सा काम था जिसको आप और हमने किया और जिसकी वजह से ऐसा लगा कि हाँ कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है? वो चीज जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, और मैं आपको उम्मीद कराता हूं कि पिछले 40-45 मिनट में आने वाले में हम हमारी बात को 3 से 4 पार्ट में करेंगे, और आप यकीन मानिए मेरा हर पार्ट पहले वाले से जबरदस्त आगे वाला पार्ट होगा। आप जो अभी सुन पा रहे हैं इससे जबरदस्त आगे वाली बात, उस बात आगे वाली। हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हमने शुरुआत की, उसकी मैं जरूर शुरुआत करूंगा। और चलिए, वी आर रेडी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं कि ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी कम टाइम में इतनी सक्सेस मिल सकती? तो दोस्त, दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी का एसलीपीएस वेलनेस के इस हेल्थ अवेयरनेस वेबिनार में दिल से
पूरी कंपनी की तरफ से, हमारे सारे सीनियर लीडर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आज निकाला इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगले 40 मिनट मुझे आपसे रूबरू होके बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी 40 मिनट के बाद जब आप अपने आप से बात करेंगे तो आज रियली आपको ऐसा लगेगा कि आपने जिंदगी में आज बहुत कुछ पा लिया। आपकी जिंदगी में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, एक ऐतिहासिक रहेगा, ऐसा आप महसूस करेंगे अभी मैं बोल पा रहा हूं। आपका स्वागत है हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम स्लीपियस वेलनेस 9 नवंबर 2014 से इस कंपनी की शुरुआत हुई। आज ये कंपनी छठे साल में रनिंग कर रही है। द्वारका सेक्टर 16 से कंपनी का ऑफिस है, जो कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। लास्ट 6 ईयर इस कंपनी के पास नहीं, एक ब्रांड कंपनी के पास, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े रूप में अपने आप को पहचान बनाती जा रही है और बनाएगी। जो जो लाइसेंस आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे पास में हैं। आज WHO, GMP, हलाल, कोशर, ISO के सारे सर्टिफिकेट्स आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज आपको सुनते हुए प्राउड होगा और मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड होगा कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूरोपियन लैब, जो कि इंडिया की नहीं, एक इंटरनेशनल लैब है, जहां पे प्रोडक्ट टेस्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हमारे पास यूरोपियन लैब के एक एक प्रोडक्ट की रिपोर्ट है, और ये साबित करती है कि हम कितने जेन्युइनिटी के साथ काम कर रहे हैं, कितने लीगली तरीके से काम कर रहे हैं, और आज हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट किस तरीके का है, इसकी रिपोर्ट आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों, और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले 6 साल के अंदर इस कंपनी के सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियति और अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में और देश हित में काम करते हुए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स इस कंपनी को मिले हैं, जिसमें एक आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड चैंपियन ऑफ चेंज, जो कि हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के माध्यम से अवर कंपनी MD एंड CEO को नॉमिनेट किया गया। और आप जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्त, ये अवार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, जहां पे हिंदुस्तान के गिने चुने मात्र 26 लोग, सोच के देखिए पूरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र 26 लोगों को, और वो भी अलग अलग इंडस्ट्री, कोई राजनीति से थे, कोई बिजनेसमैन थे, कोई फिल्म इंडस्ट्री थे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री वगैरह थे, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा किया और जिनको सेलेक्टेड किया गया, जिनका एक अवार्ड आप सामने देख पा रहे हैं। कुछ और अवार्ड्स हैं, इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन, इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप से नवाजा गया, और उससे भी सबसे खास बात, फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे अवर कंपनी MD एंड CEO को फ्रंट पेज पे जगह मिली, स्थान मिली, उन कंपनी ने सिलेक्ट किया फोर्ब्स ने, जिसके आधार पे आज आपको स्लाइड में देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोग इस कंपनी से क्यों इतना प्यार करते हैं। एसलिपियस वेलनेस, एसलिपियस फाउंडेशन के माध्यम से वक्त वक्त पे देश के साथ में खड़ी रहती है, और कभी भी देश के साथ में कोई भी ऐसी घटना हुई और जहां भी थोड़ी सी भी लगा कि हमें मदद करनी चाहिए, वहां पे इस कंपनी के MD एंड CEO, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूं कि दोस्त, हमारे MD साहब का बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड से, और ये बात आप समझ सकते हैं, और मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है, आपको बता सुनते हुए बड़ा फील होगा
जिसने आर्मी के साथ में जॉब की है, नौकरी की है, उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना अलग ही होती है। और इसी के अलावा हमारे एमडी साहब ने पुलवामा के टाइम पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी एक 11 लाख रुपए का चेक, और अभी भी कुछ दिन पहले कोरोना से संकट के टाइम में पीएम केयर फंड में हमारे एमडी साहब ने 25 लाख रुपए का एक डोनेशन दिया है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं वापस अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे। हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाते हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, हम लोगों को जो बताते हैं वो एक चीज बताते हैं और हम लोग क्या काम करते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप सब लोगों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा लोग 70, 80, 90 साल तक जिया करते थे और एक बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा तरीके से स्वस्थ रहा करते थे। उम्र के आखिरी पड़ाव में थोड़े से उम्र की वजह से कमजोर हो जाया करते थे, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। लोग आज भी 60 साल, 70 साल, 80 साल जीते हैं, लेकिन बचपन के कुछ टाइम तक ठीक ठाक जीते हैं, लेकिन बाद में जीते तो हैं लेकिन दवाइयों के सारे एज ए मेडिकल स्टोर बन गए। कैसे? क्योंकि पुराने टाइम में हमारा जो खाना पीना हुआ करता था बिल्कुल शुद्ध हुआ करता था। लोग एक्सरसाइज करने के लिए घरों से बाहर निकला करते थे, वो किया करते थे, घूमने के लिए जाया करते थे, लोगों के पास टाइम हुआ करता था। आज के इस बिजी शेड्यूल में लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग खाने पीने में नेचुरल फास्ट फूड पे आ चुके हैं और इसी की वजह से आज हमारी उम्र कम होती जा रही है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कुछ बीमारियां थी तो समाज में एक महामारी के रूप में जिनको बोला जाता था, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, काली खांसी, हैजा, खसरा, इस तरह की बीमारियां। जैसे आपने सुना होगा पुराने टाइम में कि गांव से गांव मर जाया करते, लेकिन दोस्तों आज हम धन्यवाद देते हैं हमारी मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से लोगों को मरने नहीं दिया जाता, आज बचा लिया जाता है। कि और ये बीमारी आप देखिएगा फैलती किससे थी, मच्छर से, चूहे से। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, आज ये बीमारियों से कोई नहीं मरता है, लेकिन दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ऑर्थराइटिस, ओबेसिटी, एलर्जी, मोटापा। आज इस टाइप की बीमारियां जैसे ही मैं नाम ले रहा हूं तो आपको याद आ रहा होगा, आपके घर में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में, जानने वालों में कोई ना कोई आदमी ऐसा होगा जो इन समस्याओं से जूझ रहा होगा। आखिर हम जो आज बात करेंगे वो इस बात पे कि ये बीमारी ना मक्खी से फैलती है ना मच्छर से फैलती है, तो आखिर ये बीमारी आई कैसे और ना पहले थी? तो दोस्तों ऐसा कुछ तो गलत हुआ है। दोस्तों आपने देखा होगा हम लोगों ने जो पढ़ाई की है तो उसमें देखा जाता है कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए उसकी बॉडी में किन किन चीजों की जरूरत होती है, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, एमिनो एसिड, इस तरह की। और ये चीजें हम लोग पुराने टाइम में जो खाना खाते थे यानी कि गॉड मेड फूड, ऊपर वाले ने हमारे खाने के लिए जो चीजें बनाई गई है, आटा, चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, दूध, दही, वो सारी की सारी चीजें हम खाया करते थे, उनसे इन चीजों की पूर्ति हुआ करती। लेकिन आज के टाइम में इंसान गॉड मेड फूड की बजाय मैन मेड फूड ज्यादा खाता है, जो कि इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। रिफाइंड प्रोडक्ट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, और आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस चीजों से हमारी बॉडी में जो चीज जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। और कारण है, पुराने टाइम में नेचुरल तरीके से खेती होती थी, खाना पकाने का तरीका अलग होता था, जंक फूड, फास्ट फूड हम लोग नहीं खाया करते थे। आज के टाइम में मॉडर्न कुकिंग आ गई, फार्मिंग के लिए किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रे, यूरिया, डीएपी और तरीके तरीके की जहर का या पेस्टिसाइड का सहारा ले रहा है। फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो चुकी है, एयर पोल्यूशन आप देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, मोबाइल रेडिएशन, एक इतनी बड़ी बीमारी जो पुराने टाइम में नहीं हुआ करती थी, आज के टाइम में आप देखिएगा मोबाइल रेडिएशन कितना खतरनाक है। दोस्तों जब ये मोबाइल हमारे टीवी के पास और रेडियो के पास रहता है और जब उसके अंदर रिंग आती है तो उसमें वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और हम लोग इसको सीने से चपका के रखते हैं, आप सोच के देखिएगा हमारी बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट जाता होगा। दोस्तों आज पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, इनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है और एक इंसान तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक। आज आप सुनते हैं हार्ट अटैक जैसी बीमारी एक अमूमन हो चुकी है। पुराने टाइम में हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े लोगों को आ जाया करता था, लेकिन आज एक बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। डायबिटीज किसी किसी को सुनने को मिलता था, लेकिन आज डायबिटीज के पेशेंट घर घर में। ऑर्थराइटिस, मोटापे की बात करें, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप सोच के देखिएगा।
आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ। पुराने टाइम में जब हम लोग घर से बाहर सिटी में जाया करते थे तो कुछ दुकानों पे लिखा रहता था, मोटा होने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज उन दुकानों से वो बोर्ड हट गए और वहां एक चीज लिखी हुई और आ रही है कि पतला होने के लिए और वजन घटाने के लिए संपर्क करें। दोस्तों ऐसा है या नहीं? कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी, इस तरह की अलग अलग तरीके की बीमारियां आज हमारे समाज में हर इंसान को घेर के बैठे हुए। दोस्तों हम लोग क्या काम करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग पूरे समाज में हमारे लोग मीटिंग्स करके हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप अपने घर में रहते हुए कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। मैं भी आपको भी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में जरूर लागू कीजिएगा। उनका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे सारे के सारे एसोसिएट आज एक चीज बताते हैं कि दोस्त आप जब सुबह उठते हैं तो 2-3 गिलास गर्म पानी पीने की आदत डालिएगा, आप देखिएगा आपके शरीर की काफी सारी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप जब पानी पीते हैं तो बैठ के पानी पीने की आदत डालिएगा, आप खड़े रह के अगर पानी पिएंगे तो आपके घुटनों के अंदर दर्द दुनिया का कोई डॉक्टर रोक नहीं पाए। आप जब खाना खाते हैं तो उसके बाद 1 घंटे के बाद पानी पीने की आदत डालिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी किचन, हम आपको आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कि हम सब लोगों को हमारी किचन को साफ करना है, किचन को शुद्ध करना है। पुराने टाइम में हमारे किचन में शुद्ध मसाले हुआ करते थे और उन मसालों की वजह से आप क्या था, हल्दी, मिर्ची, धनिया। आज दोस्तों वही मसाले हम लोग घर में से ना यूज करके मार्केट में लेके आते हैं। और आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि पुराने टाइम में हम लोग जब मिर्ची कूटा करते थे तो आपने देखा होगा पड़ोसी के यहाँ मिर्ची कूटी जाती थी, हमारे घर में घास आती थी। लेकिन आज जब मिर्ची का पैकेट कोई लेके आता है तो उसको खोल के सूंघना पड़ता है कि इसमें मिर्ची है या पाउडर है। आपको मैं बताना नहीं चाहता या आपको मालूम है, सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि आज हमारे किचन के जो मसाले हैं उनमें क्या क्या मिलाया हुआ है और हम क्या क्या खा रहे हैं। दोस्तों आज से आप अपनी किचन को साफ कीजिएगा। हल्दी की अगर बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट, प्योर हल्दी खाने वाले आदमी को जिंदगी में कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। थोड़ी सी मेहनत होगी, शुद्ध मसाले लाएं, कूट के खाएं। मोबाइल फोन का अगर आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें ईयरफोन से इस्तेमाल करें। दोस्तों इसी तरीके से हमारे सारे के सारे लोग दुनिया में घर घर जाके लोगों के पास और लोगों को ये बताते हैं क्या खाना है, कैसे खाना है, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक नहीं यूज करना है, अगर पीना है तो नारियल पानी पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये काम हम लोग आज पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था ऐसा क्या कर रहे हैं, वो 6 साल से यही काम कर रहे हैं। दोस्तों अब एक चीज और आती है, कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर ऑलरेडी ये बीमारी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है, अब करें तो क्या करें। हमारा प्रोग्राम यही रहता है लेकिन फिर भी इस समस्या की वजह से इन चीजों को देख के हमारी कंपनी स्लीपियस वेलनेस ने बहुत सारी R&D करके, बहुत सारी रिसर्च करके और यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किया। मैं आयुर्वेद की बात बता रहा हूँ तो आयुर्वेद आज की नहीं, पिछले 5,000 साल पुरानी पद्धति को दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर लाने का काम अगर किया है तो स्लीपियस वेलनेस ने किया है, क्योंकि आयुर्वेद की ताकत ही थी। दोस्तों पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि गलियों में हमारे वैद्य जी हुआ करते थे, कुड़िया देते थे, लोग ठीक हो जाया करते थे, लेकिन आज वो वैद्य जी नहीं रहे, आज डॉक्टर्स के पास रहे। दोस्तों हमारी कंपनी ने कुछ इम्यूनिटी को लेकर लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर काम करने वाले कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनकी मैं आपको शॉर्ट में जानकारी देना चाहूंगा। अपनी कंपनी 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट आज बनाती है, पहली हेल्थ केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सबसे इजी तरीका क्या है, आप जैसे इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जैसा हमारा प्रोडक्ट का नाम है वो इसी चीज से रिलेटेड है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा इम्यूनोडो। दोस्तों ये इम्यूनोडो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इम्यूनोडो क्या है, आजकल आप टीवी में एक चीज देख रहे हैं कि सरकार ये बोल रही है, सारे न्यूज चैनल्स लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। दोस्तों ये इम्यूनोडो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हमारी कंपनी 6 साल पहले लेके आ चुकी थी। आज सरकार बोल रही है टीवी चैनल्स के माध्यम से मुलेठी, गिलोय, आप ये चीजें का यूज कीजिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। ऑलरेडी ये सारे के सारे कौन इंग्रेडिएंट हमारे इम्यूनोडोल में डाले हुए हैं। दोस्तों सांस से संबंधी कोई प्रॉब्लम, अस्थमा से कोई प्रॉब्लम और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर से कोई प्रॉब्लम, सब में सहायक है। डायबिटीज के अंदर हमारा डायगोडो, ऑर्थो के लिए हमारा ऑर्थोडो, जॉइंट क्रिएटर ऑयल, थंडर ब्लास्ट, आपके शरीर में किसी भी तरह की वीकनेस हो, सेक्सुअली वीकनेस हो या आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा हो, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रोक करने का काम हमारा ओबियोडो करता है, सॉरी थंडर ब्लास्ट करता है, ओबियोडो।
आपके मोटापे को कंट्रोल करने का काम करता है। लेडीज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब के लिए गायनोडो, और दोस्तों लीवर, आज आप घर घर में देखेंगे हर आदमी लीवर का पेशेंट, लीवर की वजह से सारी की सारी बीमारियां पैदा हो रही है, उसके लिए लीवोडो, स्टोन डो, थायराइड के लिए थायरोडो, बुखार डेंगू वगैरह के लिए मलेरिया के लिए फ्यूडो, पाइल्स के लिए पाइलोडो, हार्ट के लिए कार्डियोडो, कलोरोडो, एलोवेरा। आज बहुत सारी रेंज में हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स दिए हैं। ब्यूटी केयर की अगर हम बात करें तो एक अच्छी, बहुत अच्छी रेंज है। साथ में आप देख पा रहे हैं हमारा एक डेंटोडो जो कि एक पेस्ट है, पेस्ट एक काम अनेक। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपने अगर जिंदगी में कभी डेंटोडो किया तो ये बात कह सकता हूं मैं, जिंदगी में दुनिया का दूसरा कोई पेस्ट आप करा नहीं पाएंगे, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। फूड सप्लीमेंट की हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है, नोनी। नोनी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में एक एमिनो एसिड जितने चाहिए होते हैं 16, उनमें से 8 हमारी बॉडी पैदा करती है और 8 हमें बाहर प्रकृति से लेने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में एक नोनी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फल है कि जिसकी वजह से 16 के 16 इम्यूनो एसिड हमें मिल जाते हैं। सीबक्ट्रोन जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है, बेरी डॉग जूस डाइजेशन के लिए, फिट डॉग टी, जी कॉफी डॉग, ओमेडोडोग, विटाडोग, पुर्की डॉग, बेरी डॉग, स्लिम डॉग पाउडर, मास डॉग पाउडर, मसल डॉग, हाइट डॉग, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों बात प्रोडक्ट की नहीं है, प्रोडक्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन असलीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट, आज असलीपियस वेलनेस के 58 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं ये रिजल्ट प्रोडक्ट है, आज रिजल्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्त मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन आपको अगर गहराई से जानना है तो आप यूट्यूब पे असलीपियस वेलनेस के हमारे चैनल पे जाइएगा और वहां सुनिएगा, तरह तरह के लोग, जिन लोगों को बिजनेस करना है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे से लोग जिन लोगों को हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो लोग परेशानी में थे, किसी को लीवर की प्रॉब्लम थी, किसी के घर में बच्चे की प्रॉब्लम थी, किसी को घुटनों की इतनी प्रॉब्लम थी कि उठ नहीं पाता था, आज उन लोगों की टेस्टिमनी आप सुन पाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको आंसू आ जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कंपनी है या समाज सेवा करने वाली कंपनी है। दोस्तों इसी तरीके से प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी में कोई भी इंसान आके अपनी बजट के अनुसार प्रोडक्ट ले सकता है, अपनी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट ले सकता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी कंपनी ने यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको दी है जो कि अगले कुछ टाइम में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप स्लाइड पे एक चीज देख रहे होंगे कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर हमारे MD साहब की सोच के अनुसार एक प्योर इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से काम किया जाता है उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बाद में उसको पसंद नहीं करते, लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी का पहला मिशन क्या है, यूज द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो गेट द रिजल्ट, आप उससे रिजल्ट लें, और जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप उस रिजल्ट को सात लोगों को शेयर करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की असली थीम यही है कि जब आपको रिजल्ट मिलता है उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको लोगों के साथ शेयर किया जाता है, ना कि ओनली बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, आप यहाँ पे हमारी कंपनी में आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपको नहीं देना होता है, यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन है, कंपनी की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है सामने, आप उस वेबसाइट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट लेने के लिए आप हमारी कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं, और आज ऑल ओवर इंडिया इस कंपनी के 250 फ्रेंचाइजीज हैं, 250 अलग अलग शहर में ऑफिसेज हैं, फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। आप किसी भी फ्रेंचाइजी से, अपने नियर बाई सिटी से, आप नियर बाई लीडर से कॉन्टेक्ट करके और आप वहां से प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। आपकी ID एक्टिवेट कराने के लिए हमारे यहाँ पे 100 SP का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जिसमें हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग सेल्स पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसके बिजनेस प्लान को शुरू करने से पहले 100% असलीपियस वेलनेस का कैलकुलेटिव प्लान आपके सामने है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपकी स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। हमारे यहाँ पे 1 SP के अंदर हम 98 रुपीज का कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पे आउट करती है। वो कैसे कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोल्डर में और क्लियरली आपकी वेबसाइट पे आपको शो है कि हम लोग 100% कैलकुलेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक एक नॉर्म्स और कंडीशन को हम मानते हैं। यहाँ पे आप 7 टाइप इनकम ले सकते हैं। पहला यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट,
दोस्तों जैसे ही आप अपनी जरूरत के अनुसार और बजट के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कंपनी आपको अनकंडीशनल 20% रिटेल प्रॉफिट देती है। सेकंड सेल्स कमीशन, वो वीकली, थर्ड मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, अम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन, ट्रिप अचीवमेंट, रिपर्चेज कमीशन ऑन सेल्स, आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं। यहां पे जैसे ही आप इस आईडी में लेते हैं, आप प्लेसमेंट होता है, आप कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपका प्लेसमेंट कंपनी की वेबसाइट पे होता है। आपको यहाँ पे रेगुलर इनकम लेने के लिए कंपनी दो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपकी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही 100 SP 100 SP का बिजनेस होता है, आप यहां से कंटिन्यू इनकम लेना शुरू कर देते हैं और आपको पर 100 और 100 इक्विवेलेंट SP आपका जो चेक मिलता है, ये 1000 का, और ये पेमेंट आपका वीकली पेमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने आपकी टीम में 100 100 SP के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिया आपके SAO टीम में, और 10 लोगों ने SGO टीम के अंदर 100 100 SP का प्रोडक्ट लिया, तो वीक का आपका पेमेंट बना 10,000। इसी तरह से 50,000, 1 लाख, और मैक्सिमम आप यहां से वीक में आपका जो सेल्स कमीशन है ये 1.5 लाख रुपए वीकली ले सकते हैं। उसके आगे की इनकम मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। सेकेंड हमारी इनकम आती है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। दोस्तों जैसे ही आपकी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 200 SP का बिजनेस होता है और सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 100 SP का बिजनेस होता है, आपको यहाँ पे 1000 सेल्स कमीशन मिला ही मिला, लेकिन 1500 रुपए का आपको परफॉर्मेंस कमीशन अलग से और मिलेगा। इसी तरीके से कंपनी में टोटल 18 प्रमोशन दिए गए हैं, हर प्रमोशन पे आपको एक इनकम मिलती है, हर प्रमोशन पे एक चेक मिलता है। दोस्तों इस प्लान को मैं आपको शुरू कर रहा हूं, उससे पहले 2-3 पॉइंट आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि ये कोई प्लान है, दोस्त मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये कोई बिजनेस प्लान नहीं है। इस प्लान को जब आप बारीकी से थोड़ा सा समझेंगे मेरे साथ में आके, तो एक चीज आपको जरूर महसूस होगी कि असली पेस वेलनेस क्या है, असली पेस वेलनेस का प्लान क्या है, और इसका प्लान इस तरह से डिजाइन क्यों किया गया है, ये आपको समझ में आएगा। वो चीज क्या है, असली पेस वेलनेस ने एक चीज समझी कि पिछले 20 साल, 24 साल, 25 साल के अंदर लोग इस इंडस्ट्री में आए, लोगों के सपने जगे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि या तो किसी कंपनी में कोई कंडीशन थी या कुछ ऐसा था जो दिखाया जाता था लेकिन होता नहीं था। आज सारी की सारी प्रॉब्लम और सारी की सारी माइनस पॉइंट को खत्म करके किसी एक प्लान को जनरेट किया गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, वो असली पेस वेलनेस का बिजनेस प्लान है। मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेल्स कमीशन अगर किसी इंसान को आता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी ने किया भी होगा या कुछ लोग प्रेशर सुन रहे होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि एक आदमी के बिजनेस में खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो सेविंग नहीं कर पाता। इसलिए हमारी कंपनी ने मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन अलग से देना शुरू किया है। फर्स्ट लेवल फर्स्ट इस प्रमोशन पे आप ब्रॉन्ज बनते हैं, सेकेंड प्रमोशन पे जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं, 600 SP का बिजनेस आपके सेल्स अचीवमेंट में और सेल्स जनरेशन में 300 का, तो 3000 का चेक आपको मिल चुका है, लेकिन 4500 रुपए का आपका एक चेक कमीशन का अलग से आएगा। अगला प्रमोशन जैसे ही आप यहाँ पे गोल्ड बनते हैं, 1200 SP का बिजनेस आपके सेल्स अचीवमेंट टीम में होता है और 600 SP का बिजनेस आपकी जनरेशन टीम में होता है, तो आपको 6000 रुपये मिल चुका है, लेकिन 9000 रुपये का एक चेक आपको अलग से कंपनी देती है। आपको जो 9000 रुपये का जो चेक आएगा, ये सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन जो आएगा, ये कमीशन महीने की लास्ट तारीख में आएगा। अगर मंथली 30 का है तो 30 को, और 31 का है तो 31 को, और सेल्स कमीशन जो आपका है वो आपको वीकली आएगा। इसी तरह से आप आगे 4800 SP 2400 SP पे आपको 24,000 रुपए का आपको कमीशन मिल चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आपका आगे का कमीशन 45,000 का इकट्ठा और चेक मिलेगा।
आगे आप टोपाज बनते हैं, 12,000 एसपी आपके सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और 6,000 एसपी आपके सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। आपका 60,000 रुपए का चेक आपको अलग अलग वीक में आ चुका है, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे ही आपको 1.5 लाख रुपए का चेक इस कंपनी की तरफ से मिलेगा आपको परफॉर्मेंस कमीशन के रूप में। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नई इनकम आपकी शुरू हो जाती है, वो हो जाती है फॉरेन ट्रिप, और कंपनी आपको थाईलैंड का एक ट्रिप देती है अनकंडीशनल। आप समझिएगा अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है किसी प्रकार। 7 लेवल रूबी स्टार जब आप बनते हैं, 24,000 एसपी का बिजनेस आपके सेल्स अचीवमेंट में होता है, 12,000 एसपी का आप सेल्स जनरेशन में होता है, तो आपका 12,000 रुपए का चेक आ चुका है, लेकिन आपको 2,30,000 रुपए का एक चेक सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन का अलग से आएगा। नेक्स्ट लेवल पे आप सप्लायर बनते हैं, 48,000 एसपी का बिजनेस आपके अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है और 24,000 का आपका जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको 2,40,000 रुपए का आपका सेल्स कमीशन आ चुका है अलग अलग पार्ट में, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होता है 3,60,000 रुपए का चेक आपका अलग से सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन का आएगा। प्लस आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि ये कंपनी नहीं है, ये प्लान नहीं है, ये जितनी भी दिक्कत है समस्याएं हैं उनको समाधान है। और हर समस्या लोग नेगेटिव क्यों होते, कामयाब क्यों नहीं हो पाते, उस समस्याओं को समाधान करके यहाँ पे डाला गया। दोस्तों जैसे ही आप सफायर बनते हैं, कंपनी आपको ही नहीं इस इनकम के साथ साथ आपके पूरे परिवार को, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ कंपनी आपको अनकंडीशनल दुबई का ट्रिप भी आपको देगी। क्योंकि दोस्त मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने पहले कहीं किया भी होगा, मुझे पहली बार भी सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आपके घर में पॉजिटिविटी है तो आप बिंदास तरीके से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन घर में पॉजिटिविटी नहीं है तो शायद आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकते। और इस चीज को असली पे वेलनेस ने पहचाना और आपके पूरे परिवार के साथ यहाँ से आगे के ट्रिप आपको देने शुरू किए। नेक्स्ट लेवल पे आप स्टार सप्लायर बनते हैं, आपको 4,80,000 रुपए की इनकम आ चुकी होती है, लेकिन इसके साथ 8,20,000 रुपए का चेक आपको अलग से आता है, एक मलेशिया ट्रिप मिलेगा। उसके बाद आप डायमंड बनते हैं, जब आप डायमंड बनते हैं तब तक 9,60,000 रुपए की अलग से एक इनकम आ चुकी होती है, और उसी के साथ में 12,40,000 रुपए का आपकी बोनस की इनकम, सेल्स लीडरशिप बोनस आपको आ जाता है। आपको मालदीव का हस्बैंड वाइफ के साथ आपको ट्रिप मिलेगा। नेक्स्ट में आप ब्लू डायमंड बनते हैं, जैसे ही आप ब्लू डायमंड बनते हैं 19,20,000 रुपए आपका सेल्स कमीशन आ चुका होता है, लेकिन उसी के साथ में 22,00,000 रुपए का चेक आपका सेल्स लीडरशिप कमीशन आता है, और इसी के साथ दुनिया की एक खूबसूरत सी जगह स्विट्जरलैंड, एक वीक के लिए हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ आपको फॉरेन ट्रिप अलग से मिलेगा। उसके बाद आप ब्लैक डायमंड बनते हैं, 38,40,000 रुपए की इनकम आगे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वीकली आपको आ रही है, आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए वीकली आ रहे हैं, उसके साथ साथ 35,00,000 रुपए का, 35,00,000 रुपए का एक चेक आपको सेल्फ लीडरशिप कमीशन का आता है, प्लस रशिया का एक ट्रिप मिलता है। आगे आप रॉयल डायमंड जब बनते हैं तो उस टाइम में आपको 59,00,000 रुपए का एक सेल्फ लीडरशिप कमीशन का चेक प्लस सिंगापुर मलेशिया हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के साथ एक ट्रिप मिलता है। क्राउन डायमंड जब आप बनते हैं, मैं प्रेजेंट टाइम में मैं क्राउन डायमंड हूं, और जैसे ही आप क्राउन डायमंड बनते हैं तो आपको 93,00,000 रुपए का एक चेक आपका यहाँ से क्वालिफाई हो जाता है, और उसके साथ मास्को का एक ट्रिप 5 डेज का हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के साथ। नेक्स्ट आपका शुरू हो जाता है अम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। इसमें जैसे ही आप आगे चलते हैं 15 लेवल पे अम्बेसडर बनते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप मिलता है, आप रॉयल अम्बेसडर बनते हैं, आपको मैक्सिमम 2,85,00,000 रुपए का एक चेक आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और उसी के साथ में नेक्स्ट जब आप चलते हैं क्राउन अम्बेसडर जब बनते हैं आप 5,50,00,000 रुपए का चेक क्वालिफाई कर जाते हैं, और 18वें लेवल पे ब्रांड अम्बेसडर जब आप बनते हैं तो आपको 12,00,00,000 रुपए का चेक आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और इसी के साथ कंपनी अगेन आपको ऑस्ट्रेलिया हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ। दोस्तों ये हमारी इनकम थी। इसके बाद में एक इनकम और शुरू होती है, हमारी रीपर्चेज इनकम। रीपर्चेज इनकम भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपकी एक पैसिव इनकम है, और रीपर्चेज इनकम तब होती है जब आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, और आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि हमारी रीपर्चेज इनकम ऑटो मोड पे होती है, और हमारी रीपर्चेज इनकम भी वीकली पे आउट आता है। रीपर्चेज के लिए आपकी
सेल्स अचीवमेंट टीम में और सेल्स जनरेशन टीम में जैसे ही 100 SP इक्वल्ड होता है तो 1500 रुपए पर इक्वलेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए वीकली और 12 लाख रुपए मंथली रिपर्चेज का कमा सकते हैं। और भी कई इनकम है जो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों ये मेरा प्लान था जो आपने देखा, आपका प्लान सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मेरे बारे में जरूर कुछ आपको बताऊंगा, मैंने यही सारी चीजें देख के इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मैं कौन हूं, कहां से आया, कैसे कैसे मैंने शुरू किया। दोस्तों कुछ लोग बाद में जुड़े हैं तो मैं दोबारा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम महिपाल सिंह और आज से तकरीबन 4.5 साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था तो कुछ चीजों को देख के मैं आया था। उससे पहले मैं आर्मी में जॉब की, आर्मी की जॉब करते करते मुझे भी संयोग से मौका मिला कि कैसे करके मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करूं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे लगा कुछ समझ आई, तो आज से ठीक नवंबर 2015 यानी 4.5 साल पहले मेरे को मौका मिला हमारी कंपनी के एमडी साहब से मुलाकात करने का, मीट करने का। दोस्तों वो जो दिन था वो मेरी जिंदगी का बहुत ही हसीन दिन था। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आई थिंक क्लियर आ पा रही है। और मैंने बताया था कि अपना हर पार्ट आगे वाले से अच्छा होगा। तो आज से ठीक 4.5 साल पहले स्लीपलेस वेलनेस के साथ मैंने क्यों ज्वाइन की, क्या लगा मुझे, क्या अच्छा लगा, वो चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आज मैं आप इससे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी तक कुछ चीजें आपको बताई और आपने कुछ चीजें नोट की। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहा कि आप अपने घर के मसालेदानी को साफ करो, शुद्ध करो। मैंने आपको ये जरूर बताया कि आप बैठ के पानी पिया, मैंने आपको ये जरूर बताया कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। मैं दोस्तों आपसे जानना चाहता हूं इस तरह समाज को अवेयर करना, आम इंसान जिंदगी में बीमार ना हो और बीमार होने से लोगों को बचाना और उसमें मदद करना, ये काम क्या लगता है आपको समाज हित में है या नहीं है? आप अपने आप से बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस है तो आपका डिसीजन है, लेकिन आप खुद अपने आप से बात कीजिए कि क्या ये काम समाज हित में है या नहीं है। दोस्तों ये काम समाज में, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाना अलग पार्ट है। पहले सिर्फ ये देखा जाता है कि पैसा ही कमाना होता तो कोई आदमी कुछ भी करता, लेकिन पहले हर आदमी देखता है कि क्या वो आदमी ऐसा काम कर रहा है कि पैसा कमाने के बाद उसको अपने आप से जब बात करेगा तो उसको लगेगा अच्छा काम कर रहा है कोई गलत काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है नो डाउट हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, बीमारी आने वाले टाइम में किसी के घर में ना आए उसके लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आयुर्वेद एक हिंदुस्तान की पद्धति है, 5000 साल पुरानी पद्धति है। आज स्लीपलेस वेलनेस के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद की ताकत क्या है। आयुर्वेद का आज से पुराने टाइम में आप देखिएगा, राजा महाराजा जब लड़ाई लड़ा करते थे उस टाइम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एम्स अपोलो फोर्टी जैसे हॉस्पिटल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन लड़ाइयों में उनके भी हाथ कटते थे, वो भी जख्मी होते थे, उनको भी बीमार होते थे, लेकिन वो लोग ठीक हो जाया करते थे। आखिर क्यों? क्योंकि उस टाइम आयुर्वेद था। आयुर्वेद की पावर अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आप ये और देखिएगा कि आपने संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा। दोस्तों ऐसी ऐसी आयुर्वेद में बूटी है, जड़ी बूटियां हुई है जिन्होंने एक पुनर्जन्म देने का भी काम किया है। आज आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान से खत्म क्यों हो गया था कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि लोग गलियों के अंदर बैठ जी पुड़िया बनाते थे, आयुर्वेद बेचते थे, लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, इसलिए हर वैद्य का बेटा वैद्य नहीं बनना चाहता था, एक डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें उनको पैसा मिलता था, वो प्रोफेशन अलग टाइप का। और दोस्तों उसी वजह से, लेकिन इसकी पावर को समझते हुए हमारे एमडी साहब ने आज से 6 साल पहले रिसर्च करके आरएनडी टीम के साथ और डिस्कस किया
और ये सोचा, ये मिशन बनाया कि हम हिंदुस्तान के अंदर दोबारा से आयुर्वेद को लेके आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये साबित कर देंगे कि आज भी आयुर्वेद के अंदर जो ताकत है वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है। और दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके सामने है। दोस्तों मैं जब इस कंपनी में आया था, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग मुझे भी बोलते थे कि आप तुम तो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, डॉक्टर बन गए। कुछ लोग बोलते थे कि प्रोडक्ट खाके कोई मर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तरीके की बातें करते थे। आपको भी शायद बोलते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन एक चीज मैं गारंटी से कहता हूं कि एक डॉक्टर पूरी जिंदगी में जितने लोगों को ठीक करता है उससे कई गुना ज्यादा लोग हम लोगों ने हमारी टीम के माध्यम से आज इस प्रोडक्ट से ठीक करने का काम किया है। दोस्तों लोग बोलते थे कोई मर जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि ये सवाल आपके सामने भी आता होगा। दोस्तों आज पिछले 6 साल में कोई सिंगल केस ऐसा कह नहीं सकता कि किसी को हमारे प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये बात मैं दावे से कहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं जो जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके थे, जिनको ऐसा लगता था जिंदगी बेकार हो चुकी, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उनको एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट ने एक नई जिंदगी देने का काम किया। दोस्तों दोस्तों मैंने बताया कि आप ये देखिए कि आप इस काम को करें तो क्यों करें और क्या फील है। आप सोच देखिए, आपको काम करके अच्छा लगेगा, आपको फील आएगा कि किसी के घर में आप जब बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं, वो बेड पे पड़े हुए हैं, चल नहीं पाते हैं, हमने ऑर्थोडॉक्स इम्यूनोडॉक्स दिया और वो देने के बाद अगर वो एक बुजुर्ग इंसान चलने लग गया, आप सोच के देखिए उसकी कितनी दुआएं हमारे साथ में मिलती हैं। और आज हमसे बड़े बड़े लोग एक सवाल करते हैं कि आपकी कंपनी में सारे लोग क्यों पैसे कमाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट के साथ साथ पैसा नहीं दुआएं भी कमाते हैं दोस्त। क्योंकि जब किसी का फायदा होगा तो हमारे पास पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन दुआएं अलग आती हैं, वो अलग चीज है, वो काम कर रहे हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में 200 से 250 केसेस है कि आज जिन महिलाओं को शादी किए हुए 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, बच्चा नहीं था, आप सोचिए कौन ऐसा इंसान है जो पापा नहीं बनना चाहता, कौन ऐसी लेडीज है जो माँ नहीं बनना चाहती। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का जब लोगों ने इस्तेमाल करवाया, वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट इन बीमारियों के लिए नहीं है, लेकिन जब यूज करवाया तो उसका रिजल्ट ऐसा आया कि आज डेली लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट से मेरे घर में वंश चल गया, एस्लीपियस वेलनेस का प्रोडक्ट यूज करने से हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज गई। आप दोस्तों सोच के देखिए, आप एस्लीपियस करें ना करें, लेकिन एक चीज जरूर सोचना दोस्त, अगर आपने एस्लीपियस की और करने के बाद आपके हाथ से किसी ऐसे घर में प्रोडक्ट चला गया और उस प्रोडक्ट में जाने के भरत में ऐसे घर में एक खुशी आ गई, तो मुझे लगता है शायद आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी और आपको जीने में प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने रियली ठीक काम किया है और लोग आज मेरे प्रोडक्ट देने की वजह से किसी के घर में कितनी खुशियां होंगी। दोस्तों आज मैं बताऊं कि कैंसर के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने नोनी थंडरब्लास्ट इम्यूनोडो का कॉम्बिनेशन जब लोगों को दिया और डॉक्टर ने जहां हाथ खड़े कर दिए कि ले जाओ और इनके घर में सेवा कर लो, दोस्त वो लोग आज ठीक हो चुके हैं। दोस्तों हम लोग ये नहीं कहते कि आप ठीक हो जाएंगे, हम तो लोग एक बात बोलते हैं कि किसी का 2.5 लाख रुपए का घुटने का ऑपरेशन होना है और हम जाके बोलते हैं अंकल जी 2.5 लाख रुपए तो आपके लगने ही है, 15,000 रुपए का हमारा प्रोडक्ट लो, यूज करो, अगर आप ठीक हो गए तो ये समझ लेना कि 2,35,000 रुपए बच गए, और ठीक नहीं हुए तो बस ये समझ लेना कि 2,65,000 रुपए लग गए। दोस्तों आप मुझे बताइए, 2.5 लाख का काम अगर 15 लाख में हो गया, हमने पैसे लगवाए या हमने पैसे बचाए? दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो लोगों के पैसे लगवा के नहीं, लोगों के पैसे बचवा के पैसे हम लोगों को कमाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों यही सारी चीजें, यही प्रोडक्ट का रिजल्ट मैंने देखा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के पास जब इस प्लान को लेके जाते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, आप अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, किसी स्टूडेंट के पास जाते हैं, लोग एक बात बोलते हैं कि भैया आप खाना खा लो, हमारे घर में आए हो, बढ़िया रेस्ट करो, लेकिन ये कंपनी की बातें मत करो। दोस्तों लोग गलत नहीं, कंपनी की बात मत करो, ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आज पिछले 20-22 साल में बहुत सारी हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों के इमोशन के साथ गलत किया, लोगों की भावनाओं के साथ गलत किया, लोगों को पैसों के लालच में, अपॉर्चुनिटी के लालच में, लाखों करोड़ों कमाने के लालच में कोई ऐसा प्रोडक्ट उनके हाथ में थमा दिया जो प्रोडक्ट ना तो उनकी जरूरत का था, ना उनके बजट में था और ना उनके कभी काम में आया। दोस्तों वो लोग नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिव हो गए, लेकिन दोस्तों आज
मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आपने किसी को 15,000 का प्रोडक्ट दिया और उसको आराम आ गया, क्या वो आपसे कभी नेगेटिव होगा? नहीं। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आराम आ गया, हमारे साथ काम नहीं भी किया, तो भी शायद हमें कभी गाली नहीं देगा। दोस्तों, हम लोग इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाले को हम जो प्रोडक्ट दें, दोस्तों ये बात आप समझ लीजिएगा, कि हम जो प्रोडक्ट दें उससे सामने वाला हमारे साथ काम करे या ना करे, लेकिन उसको रिजल्ट इतने आने चाहिए कि वो बाहर जहां भी जाए वो प्रोडक्ट को प्रमोट करे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में सारी कंपनियां कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट है और उसके प्रोडक्ट का दम है कि आज पूरा मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, उसके बाद भी स्लीपियस वेलनेस 80% से ज्यादा टर्नओवर आज भी इस पीरियड में कर रही है। आज पिछले वीक में मनाली की क्लोजिंग थी, उम्मीद नहीं कर सकते आप सभी लोगों ने इतनी जबरदस्त क्लोजिंग की कि दोस्त देख के हम लोग भी ऐसे सरप्राइज रह गए कि ऐसा क्यों। दोस्तों, उसका एक कारण है, मैं आपको बताऊं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं दोस्त, अगर आपने सही कंपनी का चुनाव किया तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप कम मेहनत के अंदर भी ज्यादा बड़े लेवल पे जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों, एक चीज मानिए कि आज तक आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाने के लिए, इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्पीकर बनने की जरूरत है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद हम लोग को अच्छा बोल नहीं पाते। दोस्तों, मैं आपको एक चीज यकीन दिला सकता हूँ, आप अपने टैलेंट के दम पे, आप अपने मोटिवेशन के दम पे, आप किसी भी चीज के दम पे सिर्फ किसी भी इंसान को एक बार प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एक बार किसी की जेब से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके रिजल्ट है, तो वो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा कि बार 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 लोगों के घर में जाएगा। आज बूढ़े लोग भी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आज जो लोग गरीब हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आज जो लोग काम नहीं करना चाहते वो भी प्रोडक्ट के रिजल्ट को प्रमोट करते हैं दोस्त। और दोस्त, आज ये करते करते मुझे भी एक चीज अच्छी लगी, और मैं आपको बताऊं कि पिछले 4.5 साल के अंदर आज करोड़पति बनने में इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ नहीं, पिछले 4.5 साल के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम स्लीपियस वेलनेस से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। दोस्तों, जहां तक लोग टीम बनाने की बात करते हैं कि टीम बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,000, 2,000 नहीं, 1,00,000, 2,00,000 नहीं, पिछले 4.5 साल में आज 6 लाख से भी ज्यादा लोगों का एक परिवार पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है इस मिशन में। दोस्तों, आप एक चीज और समझिएगा, मैं आपको लाइव इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, किसी और प्रोफेशन से होंगे, कितने ही पैसे कमा लो, लेकिन पैसा कमाने का असली मजा तब है जब आप खुल के उस पैसे को जी सको और यूज कर सको, उसको इस्तेमाल कर सको। दोस्तों, आज लोग पैसा कमाते हैं लेकिन खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि एक नंबर से नहीं कि इनके जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी करके कमाते होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक एक लीडर आज, नॉट ओनली स्लीपियस वेलनेस, किसी की कंपनी का हो, एक एक लीडर आज जिसने जो कमाया है खुल के ओपन सेमिनार में, वो लाइव कहीं भी बोल सकता है, क्योंकि उसके पास जो पैसा आया है वो पहले भारत सरकार को पैसा गया है, उसके बाद उसने पैसा कमाया। दोस्तों, हम लोग सिर्फ काम अपने लिए नहीं, ये चीज एक देश सेवा का भी काम है, हम देश हित में काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, आज हमारे पास जो इनकम आ रही है लाखों रुपए की, अगर उसका इनकम एक पार्ट अगर गवर्नमेंट को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश सेवा का भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, हर आदमी को मौका नहीं मिलता कि बॉर्डर पे जाके गोली खाए, दुश्मन से लड़े, लेकिन दोस्तों आज आप डायरेक्ट सेलिंग करके स्लीपियस वेलनेस, खास करके क्यों स्लीपियस वेलनेस का मैंने नाम लिया, क्योंकि आज हम हिंदुस्तानी लोग हैं और आपको और मुझे प्राउड होना चाहिए कि आज हम हिंदुस्तानी कंपनी करें और आज किसी बाहर की कंपनी को ना करें। और ये हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है कि हमारे हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहने में हम योगदान दें। मैं दोस्तों उन लोगों को भी बुरा नहीं बोलना चाहता जो दूसरी कंपनी कर रहे हैं या बाहर की कंपनी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं वो हमारा पैसा किसी न किसी माध्यम से बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। अगर वो यही मेहनत यहाँ के साथ करें और किसी भी इंडियन कंपनी में करें, तो शायद आपकी देशभक्ति और बढ़ जाएगी। दोस्त, हमारा जो टीडीएस जाता है, जीएसटी जाता है, उससे गवर्नमेंट किसी आर्मी वाले को सैलरी देती है, पुलिस वाले को सैलरी देती है,
कहीं पे रोड तैयार करती है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान देश सेवा के अंदर भी हमारा है, देशभक्ति के अंदर भी हमारा योगदान रहता है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में काम करके हम एक देश सेवा का भी रोल निभा सकते हैं। दोस्तों तीसरी बात, दुनिया में हर आदमी अपने लिए कमाता है, अपने साथ वालों के लिए कोई नहीं करता है। लोग अपने साथ में किसी को नौकरी दे सकते हैं लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकते। दोस्तों इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके साथ आने वाले को आप अपने जैसा बना सकते हो। आज मेरे पास जैगुआर कार है, मैंने जब शुरुआत की थी मेरे पास साइकिल थी, हमने साइकिल से प्लान दिए लोगों के आपस घूम घूम के। कभी साइकिल की चैन उतरती थी, कभी हम लोग चढ़ाते थे, कभी पीछे बैठते थे, कभी आगे बैठते थे, साइकिल पे तीन तीन लोग बैठ के प्लान देने गए दोस्त। लेकिन आज वही साइकिल से जैगवार कार तक का सफर किया है। मेरे पास जैगवार है बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात दोस्तों यह है कि आज मेरी टीम में 50 से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ इतने कम टाइम के अंदर ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज और जैगवार जैसी लग्जरी कार मेंटेन करते हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान का आपसे सबसे बड़ा इतिहास है। और ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं दोस्त कि आज तक किसी कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के और लीगल कंपनी के अंदर, इतने कम टाइम के अंदर इतनी लग्जरी कार किसी कंपनी में नहीं। आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिएगा और एक भी हमारे लीडर के पास सेकेंड हैंड कार नहीं, सारी की सारी न्यू कार है दोस्त। और अभी तक तो 10 कार और बढ़ जाती अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो। क्यों? क्योंकि आज एक चीज आप और सोच रहे होंगे कि दोस्त जो बाकी लीडर दूसरी जगह 3 साल 4 साल 5 साल अफट करने के बाद जो नहीं कर सकते, वो लोग 6 महीने में 1 साल में कारनामा कर गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका एक कारण है, आप में कितना टैलेंट है। इससे बड़ी बात ये है कि आपके प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा टैलेंट है। एक लड़का जब डांस करता है और गाता है तो प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे गाता है तो उसको 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये मिलते हैं। लेकिन वही लड़के को कभी डांस इंडिया डांस या बॉलीवुड के स्टेज पे गाने का और नाचने का अगर मौका मिल जाता है तो रातों रात स्टार बन जाता है दोस्त। वैसी ताकत आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा प्लेटफॉर्म के दोस्त, क्योंकि ताकत मेरे अंदर होती 10 करोड़ कमाने की, और मेरे अंदर कुछ भी ऐसा होता तो शायद आज से पहले मैं कमा चुका होता, आज से पहले मैं जगवान ले चुका होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरा 1% भी रोल नहीं है, अगर रोल है तो 100% असली केस वेलनेस जैसा मजबूत प्लेटफॉर्म का रोल है, इस प्रोडक्ट का रोल है, इस इतने जबरदस्त प्लान का रोल है कि जहां देख के हर आदमी पैसा कमा रहा है। और यही कारण है दोस्त कि आज सारे के सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, इनकम ले रहे हैं और आज हर महीने बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं। आप सभी लोग अभी तक सुन पा रहे थे, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन आप सारे के सारे यूट्यूब पे जाके फिर चेक कीजिएगा कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि नहीं। आप अपने बाप से फिर बात कीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता। दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि असली पेस वेलनेस कोई कंपनी नहीं है दोस्त, ये लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाली कंपनी है दोस्त। ये पिछले 6 साल में हिंदुस्तान की सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली और फास्ट रिजल्ट देने वाली कंपनी आपके सामने है दोस्त। आज आपके पास मौका है, आप इसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, आप डिसीजन लें। क्योंकि एक मैंने डिसीजन ही मैंने बोला मैंने लिया था, मेरे साथ में बहुत सारे में हमारे क्राउन डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, उन लोगों ने डिसीजन लिया, हमारे डायमंड से हमारे ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, उन लोगों ने डिसीजन लिया और आज सारे के सारे लग्जरी कार के अचीवमेंट है, उनके अपने अपने घर के एक एक सपने पूरे होते हैं। दोस्तों यही कारण है कि आज मैं मेरी बात करूं तो दोस्त सबसे खास बात, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का कहर पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन असली पेस वेलनेस इतनी ताकत रखती है कि असली पेस वेलनेस में कोरोना से पहले भी मैं 32 लाख रुपए महीना कमाता था और आज भी 32 लाख रुपए ही महीना कमा रहा हूं। कुछ लोग नए सोच रहे होंगे, उनके सवाल का जवाब मैं जरूर यहीं से दे देता हूं कि सर आपने जो बताया तो 32 लाख कैसे आ रहे हैं बताइए। दोस्त जब मैं इस कंपनी में आया था तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला था कि एक बार तुक्का लग जाता है बार बार नहीं लगता, तो पहली आईडी पे एक साल के अंदर मेरी कैपिंग लगी। कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है तुक्के से हो गया होगा, मैंने सोचा चले यार दोबारा करके देखते हैं। ठीक 1 साल के अंदर मैंने दूसरी आईडी के ऊपर दोबारा कैपिंग लगाई और आज दोस्त मैं 1 पे नहीं 2 पे नहीं कंटिन्यूसली 3 आईडी पे असली पेस मिलने से कैपिंग के चेक लेता हूं। इसलिए मुझे 32 लाख से भी ज्यादा पर मंथ का एवरेज आता है दोस्तों, ये मेरा अचीवमेंट है। और इसी वजह से आज सारे के हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 20 लाख कमाते हैं, 30 लाख कमाते हैं। दोस्तों आप आज भी आपके पास मौका है, क्योंकि आने वाला टाइम
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही आने वाला है, आने वाला टाइम इसी इंडस्ट्री का आने वाला है। दोस्तों लास्ट में एक ही बात मैं बोलूंगा कि आपने अभी तक सुना, आप सोचिए, हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट लीजिए। आज हमारे सारे लोग जितने भी लाइव एसोसिएट सुन रहे हैं वो सारे अपने अपने नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर ड्रॉप करें, ताकि जो भी नए लोग हैं उनको अगर अपने सिटी से ज्वाइन करना हो तो वो उस सिटी से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं आप लोग, ताकि अगर आपके शहर से कोई देख रहा है तो उसको कमेंट में अगर आपके शहर का नाम दिखाई देगा तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और दोस्त मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वक्त है, मौका है, असली पेस वेलनेस अभी तो 6 साल की हुई है, अभी तो जस्ट हमने शुरुआत की है। आने वाले टाइम में 500 लग्जरी गाड़ी के साथ भी मिलेंगे, आने वाले टाइम में असली पेस वेलनेस वो कंपनी भी होगी जो करोड़पति नहीं अरबपति भी पैदा करेगी, क्योंकि पावर हम में नहीं असली पेस वेलनेस के शानदार प्लेटफॉर्म में है। दोस्तों ये हमारी कंपनी एमडी साहब की सोच की वजह से, उनके विजन की वजह से है कि यह कंपनी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आज जो है उसकी वजह से मैं ये यकीन दिला रहा हूँ कि आज हम इंडिया में नहीं दुनिया के कोने कोने के अंदर अगर आयुर्वेद को फैलाएंगे और हम बिजनेस करेंगे और विदेशों का पैसा हिंदुस्तान में लेके आएंगे तो आप और हम मिलकर असली पेस वेलनेस के माध्यम से लाएंगे, उस दिन आपको और प्राउड फील होगा कि हमने असली पेस वेलनेस का डिसीजन लेके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी क्यूरी करनी हो, आपको जिसने इन्वाइट किया है उनसे बात कर सकते हैं, आपके सिटी में जो भी लीडर है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के साथ इसी के साथ मैं ग्रेट इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले हमारी कंपनी का मनाली का टारगेट कंप्लीट हुआ है। आप लोगों ने बम्पर क्लोजिंग की है, उम्मीद से भी ज्यादा, लेकिन अभी मजबूरी है कंपनी की भी और आपकी भी और हमारी भी कि कहीं भी होटल्स खुले नहीं है, तो इस वजह से हम ट्रिप पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जो भी कंपनी से आपको जो पेमेंट होगा सिंगल का, डबल का, और जिन लोगों ने विद फैमिली किया कंपनी के माध्यम से आप सभी लोगों को कॉल आ जाएगा और आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ असली पेस वेलनेस और हमारे एमडी सर जिस तरह से बार बार शुरू से लेकर आज तक पिछले 6 साल में हमारे बारे में सोचते आ रहे हैं, आज उन्होंने फिर हमारे बारे में सोचा, हमारी ग्रोथ के बारे में सोचा और हमारी इस लॉकडाउन की क्लोजिंग से खुश होके उन्होंने हमारे को एक गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट एक नए टारगेट के रूप में है। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो गिफ्ट क्या है। बहुत ही शानदार टारगेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप सारे के सारे देखिएगा। कैसा लग रहा है, मजा आया कि नहीं आया? ये टारगेट कल सोमवार 18 मई 2020 से 19 अगस्त 2020 तक रहेगा। दोस्तों ये कंपनी हमारे बारे में कितना सोचती है आप देखिए, कि जब गर्मी का टाइम होता है तो हमें सर्दी वाले डेस्टिनेशन पे लेके जाती है, और जब सर्दी का टाइम होता है तो गर्मी वाली जगह लेके जाती है, और जहां पे सर्दी और गर्मी दोनों जगह जाने का काम बंद है, होटल से बंद है, तो कंपनी हमारे लिए लैपटॉप और बाइक लेके आती है। हम अपने बारे में कम सोचते हैं, हमसे भी ज्यादा कंपनी सोचती है। ये टारगेट आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी देर में आपके ग्रुप और फेसबुक पे मिल जाएगा। प्रेशर और ब्रॉन्ज 3500 SP के बाद लैपटॉप, और ज्यादा ऑफर दिखाने पे आप बाइक, और लैपटॉप और बाइक आप नहीं लेना चाहते हैं तो उन दोनों का अमाउंट भी ऊपर लिखा हुआ है। आपको 25,000 लैपटॉप और 50,000 रुपए आपको बाइक के साथ मिलेंगे। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, है प्रेशर से लेकर क्राउन डायमंड तक, यानी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सब लोगों के लिए ये टारगेट है। मैं भी अचीव करूंगा और आप भी अचीव करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वक्त को इनकेस कीजिएगा और ये साबित कर दीजिएगा कि जब सही प्लेटफॉर्म हो, सही अपलाइन हो, सही गाइडलाइंस हो, तो दुनिया का कोई भी आदमी फतेह कर सकता है, जीत सकता है, क्योंकि असली पीएस वेलनेस हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।